दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं आ चुका हूँ पोरबंदर। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम सुबह निकल जाएंगे मेरे मामा जी के साथ, और मेरा मामा जी और दोनों मामा जी वहाँ पर हैं। तो पिछले वीडियो में मैं एक बात कहना भूल चुका था, जो मैं मतलब अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये कहा है कि हम आपको पैसे स्पॉन्सर करेंगे। आप जो ये वीडियो बना रहे हो वो काफ़ी अच्छा बना रहे हो, तो आप हम आपको पैसे स्पॉन्सर करेंगे, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी चैनल को इतना वायरल कर दो कि मोनेटाइज हो जाए। हवा की वजह से शायद आप मेरी बात नहीं सुन सकते होगे, थोड़ा बहुत विंड नॉइज़ भी आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा चला लीजिएगा। अभी मेरे पीछे जो देख रहे हो, अभी फिलहाल मैं हूँ जामन जी की गुफा में, जो कि पोरबंदर से 15 किलोमीटर दूर राणावल तालुका में आया हुआ है। और उसके पीछे का जो इतिहास है ना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले तो मैं यहाँ की जो सीनरी है पूरी मैं आपको दिखा देता हूँ। और अभी देख रहे हो ठंडी का प्रमाण इतना ज़्यादा है और हवा भी बहुत ज़्यादा है। पहले आप देख लो कि यहाँ का जो नज़ारा है और ये सब कुछ आप देख लो, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूँ इसके बारे में। चुके हैं गुफा के अंदर, और मेरे मामा जी दोनों हम तीनों यहाँ पर घूमने आए स्पेशली इसीलिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हादसा अभी हमारे घर में हुआ है, लेकिन अभी आप देख रहे हो। और अभी हम नीचे उतर रहे थे गुफा के अंदर, छोटी गुफा है तो थोड़ा हाइट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और ये कुआं था एक समय में, यहाँ पर भी पानी हुआ करता था। और अभी हम उस मेन गुफा के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हो पीछे फ्लैश इतनी ज़्यादा है नहीं कि जिसकी वजह से क्लियर विज़न आ सके, लेकिन आपको पूरा इतिहास मैं बता दूंगा। मुझे मैंने सब कुछ जान लिया इसके बारे में। और यही वो शिवलिंग है, सब कुछ आप देख सकते हो, और जिसके ऊपर कहानी आधारित है ना, वो एक तस्वीर भी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो इस तस्वीर के आधारित पूरा इतिहास है जो मैं आपको बताऊंगा। और ये शिवलिंग है, आप देख सकते हो पीछे ये। और इतिहास में जो तीन गुफा का वर्णन किया गया है कि जो स्वामी जी यहाँ पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, वो तीन गुफा एक एक करके मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो पहले वो गुफा दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो ये पहली गुफा है जो शायद मैं आपको दिखा सकता हूँ। पूरी अंदर जा रही है, और ये कहाँ जा रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन तीन गुफा है, ये पहली गुफा है। और फिर ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये दूसरी गुफा है जो कि यहाँ से जा रही है। ये दूसरी गुफा है जो आप देख रहे हो, शायद अंदर अभी उतर नहीं सकता हूँ, लेकिन और एक तीसरी और गुफा है। ये जो आप देख रहे हो ये तीसरी गुफा है, और अंदर इंसान जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही जो यहाँ पर तपस्वी जी जो कर रहे थे महाराज जो ऋषि, वो यहीं से जाते थे। और ये तीनों गुफा कहाँ निकलती है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले यहाँ का एक आपको पूरा एक वीडियो दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ कैसा माहौल है, कैसी मिट्टी है, वो आपको पता चल जाए। में एक और खास बात है, और वो खास बात है इसकी मिट्टी में जो मैं आपको दिखाता हूँ। खास बात यह है कि ये जो मिट्टी है ना, वो चमक रही है, मतलब ऐसे हीरे की तरह चमकती है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये
ये देखिए ये मिट्टी चमक रही है, इसमें कोई ऐसी मतलब खास बात है, आप देख सकते हो मेरे हाथों में भी ये चमक रही है मिट्टी। तो ये खास बात है जो कि इस गुफा में सबको आकर्षित करती है अपनी ओर। और ये पूरा अब गुफा आप देख सकते हो, और यहाँ पर एक शायद कुआं भी था जहाँ पर पहले पानी भी हुआ करता था। मैं दिखा देता हूँ अंदर सब सिक्के और सब कुछ गिरा हुआ है, तो शायद होगा पानी कभी ना कभी। तो और ऊपर भी ये देख रहे हो आप, तो यही पूरा मंदिर है। एक और बात दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इतिहास में एक बात लिखी गई हुई है कि शिवलिंग की स्थापना हुई थी और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही गुफा से पानी टपक रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और कहीं भी देखिए, और कहीं भी पानी नहीं गिर रहा है, सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही पानी गिर रहा है, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो अभी हम वापस जाएंगे ऊपर, तो ये रास्ता है, तो मैं आपको पूरा रास्ता एंजॉय कराता हूँ कि हम कैसे आए थे अब कैसे जाएंगे। चलिए चलते। तो भी देख रहे हो दोस्तों हम इस तरीके से बाहर आए, अब यहाँ से रस्से पकड़ कर इसे ऊपर चढ़ना है और लीजिए अब आ गए बाहर। फाइनली हम गए थे इसके अंदर और अब फाइनली बाहर आ चुके हैं। आपने देखा कि यह पूरी जामा जी की जो गुफा है, अब उसका मैं इतिहास आपको दिखा देता हूँ, बताता हूँ कि इतिहास जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, आपको मज़ा आ जाएगा सुनकर। दरअसल ये जामा जी और भगवान श्री कृष्ण की कहानी है। हम सब पारस मणि के हम मणि के बारे में जानते हैं कि जिसे अगर उस पारस मणि को किसी चीज़ के ऊपर अगर हम उसे या कोई चीज़ अगर पारस मणि को छू ले तो वो एकदम सोने की बन जाती थी। तो भगवान कृष्ण के जो भाई थे उनके पास भी ऐसी ही एक पारस मणि थी, जिसकी वजह से पूरी द्वारिका नगरी जो है वो पूरी सोने की बन चुकी थी। हुआ कुछ यूँ था कि उनके जो बड़े भाई थे उनके छोटे भाई ने सोचा कि ठीक है चलो एक घंटे के लिए मैं बाहर जाता हूँ, लेकिन हुआ यूँ कि वो गए जंगल में और भटक गए रास्ता, और उसमें क्या हुआ कि शेर आया और उसने शिकार कर लिया और जो आधा शरीर था वो शेर ने खा लिया, जिसकी वजह से वो मणि वहीं पर गिर गई। फिर जामन जी और उनकी बेटी जब आ रहे थे और ऐसे ही घूम रहे थे तो उन्हें वो मनी मिली और वो लेकर चले गए और यहाँ पर आकर इस गुफा में वो बैठ गए। फिर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये आरोप लगा, क्योंकि हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करके खाते थे, तो हम सबको पता है, तो उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा कि उन्होंने इस मनी को चुराया। तो फिर अपने आप को गलत साबित मतलब सही साबित करने के लिए कि भाई मैंने ये नहीं किया, तो वो ढूंढने लगे। फिर वो इस तरफ आए और उन्हें पता चला कि जामन जी के पास वो मनी है, तो उन्होंने जामन जी से ये कहा कि मुझे ये मनी दे दीजिए ताकि मुझ पर जो ये आरोप लगा है चोरी का वो मिट जाए। तो जामन जी ने कहा कि एक ही शर्त पर मैं आपको ये पूरा दे सकता हूँ, और वो यही है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, जिससे मैं कन्यादान के स्वरूप में आपको वो पूरा मनी मैं आपको दिखा दूँ। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं माने, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहते थे। तो इसके लिए फिर हमने ये उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो युद्ध करेंगे दोनों, और युद्ध तकरीबन 27 दिन तक चला रहा। और पहले के ज़माने में युद्ध की एक कारीगरी आज के ज़माने जैसा नहीं था, ओके कर चलो कभी कभी मार लो, ऐसा नहीं था। युद्ध सवेरे 6 बजे शुरू होता था और शाम के 4 बजे ख़त्म हो जाता, उसके बाद दोनों योद्धा थे वो आराम कर रहे थे। भगवान कृष्ण को पता था कि ये कौन है, हम सब जानते हैं कि जामा जी की उम्र का कोई किसी को पता नहीं है, वो सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग तीनों युग में थे, और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम का जो अगला जन्म है वो कब आए और उनसे उनकी मुलाकात कब हो। भगवान कृष्ण को पता था कि वही है, लेकिन जामा जी को कुछ एहसास नहीं था। तो जब युद्ध चला तो 27वें दिन जामन जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि अगर आपको युद्ध नहीं करना है तो मुझे आपका जो पहला स्वरूप था मुझे वो बताए कि वो कौन है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम तो मुझे नहीं पहचान पाए, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। फिर जामन जी को पता चला कि वो भगवान राम का ही एक स्वरूप है। तो फिर लेकिन फिर भी शादी के बारे में कुछ ऐसा ख्याल था कि उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे पहले ब्रह्मा जी और भगवान शंकर और विष्णु से मुझे पहले
बात करनी होगी, मुझे पहले उनसे पूछना होगा कि शादी करूँ या नहीं। वो गए, लेकिन जामन जी को वरदान मिला हुआ था कि आपको कोई हरा नहीं सकता, इवन भगवान श्री कृष्ण भी नहीं, वो भी हार जाते। इसलिए भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप युद्ध मत करिए। तो भगवान कृष्ण ने फिर शादी के लिए हाँ किया और उन्हें वो कन्यादान में वो पारस मणि मिल गई। फिर जो मैंने आपको तीन गुफा दिखाई है, उस तीन गुफा के रहस्य कुछ इस प्रकार है। एक गुफा खुलती है बेट द्वार का, दूसरी जो गुफा है वो खुलती है जूनागढ़ में जहाँ भवनाथ में शिव मंदिर है वहाँ पर। तीसरी जो गुफा है वो सोमनाथ मंदिर में खुलती है। आप हम जा भी सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि कुछ बहुत साल से ये गुफा, इसका कुछ पता नहीं है कि ये मंदिर कितना पुराना है। तो जा सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे पास समय मर्यादा है। तो आगे का इतिहास इस प्रकार का है कि फिर जामन जी की बेटी और भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे गुफा से, और जामन जी ने कहा कि आप इस गुफा से चले जाओ, डायरेक्ट आप द्वारका पहुंच जाएंगे। तो वो बीच में जा रहे थे, तो असुर, हम जानते हैं कि भगवान होते थे तब असुर आ सकते थे, तो वैसे ही असुर आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप यहाँ से नहीं, आप वापस चले जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तो यहीं से जाऊँगा, और युद्ध हुआ और वहाँ पर उस असुर का वध हुआ, और तब 16,000 जो रानियाँ थी उन्हें छुड़ाया गया था। तब जाकर हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 कुछ पट रानियाँ थी। तो ये इस कथा के ऊपर आधारित है। अब मैं बात करता हूँ कि उस शिवलिंग में के जो आप देख रहे थे कि पानी टपक रहा था, तो उसके पीछे का कारण कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पर एक स्वामी थे जिनका नाम था रामदास जी। वो यहाँ पर तपस्या कर रहे थे उस जमाने के बाद में, और आप देख रहे हो पूरे भारत में, आपने शायद कभी नोटिस किया हो या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने आपको दिखाया शिवलिंग में कद का बहुत इसमें प्रमाण है कि एक बड़ी शिवलिंग है, एक छोटी है, एक उससे भी छोटी है, जो ये प्रमाणित करती है कि बड़ी शिवलिंग भगवान शंकर की है, उससे जो छोटी शिवलिंग है वो माँ पार्वती जी की है, उससे छोटी जो शिवलिंग है वो गणपति जी की है, और एक शिवलिंग है वो कार्तिकेय की है। मतलब पूरे परिवार की शिवलिंग सिर्फ इसी एक जगह पर आपको मिल जाएगी देखने के लिए। फिर जो रामदास जी थे उन्होंने तपस्या की, और इन तीन गुफाओं के निर्माण पर वो जाते थे। अगर उन्हें बेट द्वारका जाना था तो वो पहली गुफा में जाते थे, दूसरी गुफा थी वो भवनाथ की थी, तीसरी गुफा जो है वो सोमनाथ महादेव के वहाँ पर जाती थी। और जो शिवलिंग में एक खास बात यह है कि पानी सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही गिर रहा है और उसे बनाया नहीं गया, वो अपने आप ही रचित हुआ है उस पानी के द्वारा। तो ये अपने आप में ही है, क्योंकि आप अभी नहीं मानेंगे कि यार ये सब सच है या नहीं, लेकिन अगर आप माने तो सच है, अगर नहीं माने तो ये झूठ भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो मिट्टी है वो इतनी चमक रही थी, क्योंकि हीरे, मानो कि उस मिट्टी के अंदर हीरे दफन हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो पहले से ही मिट्टी में वो खासियत थी कि वो अपने आप चमक रही थी। तो दोस्तों बस यही एक इतिहास था जामन जी की गुफा का। मुझे पता है कि ब्लॉग काफ़ी देर तक आते हैं, लेकिन अभी जो हादसा हुआ उसकी वजह से हम समय मर्यादा के अंदर हम सब ब्लॉग करते हैं। तो अभी तो मैं अपने मामा जी के साथ यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे पास अभी जितना पोरबंदर में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर, एक जगह ऐसी है जहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, एक कीर्ति मंदिर है, सुदामा मंदिर है। अगर हमारे पास वक्त होगा तो मैं आपको वहाँ पर भी ले जाऊँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी जानकारी पसंद आपको आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।